हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास फोर के साइंस से लेसन वन फूड एंड न्यूट्रिशन से एक टॉपिक ले रहे हैं। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। इस वीडियो में हम कुकिंग और प्रिजर्विंग के बारे में जानेंगे कि कैसे फूड को कुकिंग किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहले कुकिंग फूड के बारे में जानते हैं। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम लोग बहुत सारे भोजन को कच्चा खाते हैं और साथ ही साथ पका के तो खाते ही हैं। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। तो बहुत सारा फ्रूट्स जो है, हम लोग लगभग फ्रूट्स को कच्चा ही खाते हैं और बहुत सारा वेजिटेबल को भी खाते हैं और बहुत सारा वेजिटेबल को हम लोग पका के भी खाते हैं। दे मस्ट बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग इन ऑर्डर टू रिमूव डस्ट फ्रॉम देम। तो उन्हें खाने के पहले हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उन पर लगे गर्दा जो है, डस्ट, वो साफ हो जाए। द डफ यूज फॉर मेकिंग इडली इज अलाउड टू फर्मेंट बाय लीविंग इट ओवरनाइट। और जो इडली बनाने के लिए जिस आटा या मैदा को सान के रखा जाता है, उसको उफनने के लिए एक दिन पहले ही पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्मेंटेड फूड इज मोर न्यूट्रिटिव। जो फर्मेंटेड फूड होता है, जो एक दिन पहले जिसको उफनने के लिए छोड़ दिया जाता है, वैसा फूड कुछ और ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है। फूड सच एज इडली एंड ढोकला आर कुक्ड इन स्टीम। फूड जैसे कि इडली और ढोकला जो है, वह स्टीम के द्वारा पकाया जाता है। मीन्स इसे किसी तेल में भूना नहीं जाता है, बल्कि एक भाप के द्वारा एक प्रक्रिया है, उसी तरह उसे पकाया जाता है। फूड कुक्ड बाय स्टीमिंग डज नॉट लूज इट्स न्यूट्रेंट्स। तो स्टीम के द्वारा जो भोजन पकाया जाता है, उससे यह होता है कि इसका न्यूट्रेंट्स लूज नहीं करता है। द डिटेल्स ऑफ सम डिशेस एंड द वे ऑफ कुकिंग देम आर गिवन इन द टेबल बिलो। कुकिंग मेक्स द फूड मोर टेस्टी। किसी भी भोजन को जब हम पका लेते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो कुछ डिशों के नाम और उन्हें बनाने का जो तरीका होता है, वो नीचे टेबल में दिया गया है। जैसे कि यहाँ एक तरफ डिशेस का नाम है और दूसरी तरफ वेज ऑफ कुकिंग किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले पूरी है, जो कि डीप फ्राइंग, पूरी तरह से इसे तला जाता है तेल में। उसके बाद पराठा है, जो शैलो फ्राइंग है, मीन्स पूरी की तुलना में इसे कम फ्राइंग किया जाता है। चपाती मीन्स रोटी, जिसे कि तेल वगैरह में नहीं बल्कि रोस्टिंग किया जाता है, पकाया जाता है बिना तेल का। डोसा, ये शैलो फ्राइंग है, मीन्स इसे भी हल्का फ्राई किया जाता है। राइस, चावल जो हम लोग खाते हैं घर में, उसे बॉयल करके स्टीम करके पकाया जाता है। बिस्कुट को बेकिंग किया जाता है। और बंगाल ग्राम, इसे भी रोस्टिंग किया जाता है, मीन्स भुना जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड मोर टेस्टी। किसी भी भोजन को जब हम पका लेते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। यह प्रक्रिया जो है पकाने की, इससे भोजन जो है मुलायम हो जाता है और पचने में आसान हो जाता है। सम फूड आइटम्स में कंटेन जर्म्स। कुछ फूड आइटम में जीवाणु होता है, कीटाणु होता है। कुकिंग किल्स द जर्म्स एंड मेक्स द फूड आइटम हार्मलेस। अब कुकिंग करने से, चूंकि पूरी तरह से गर्म हो जाता है कोई भी भोजन, तो इससे क्या होता है कि जर्म्स जो है वह मर जाता है और इससे वो हार्मलेस हो जाता है। बिना किसी नुकसान का भोजन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स भोजन का संरक्षण। फूड इज वैल्यूबल, इट शुड नेदर बी वेस्टेड नॉर स्पॉइल्ड। फूड जो है वो वैल्यूबल होता है, इसे ना ही बर्बाद होना चाहिए ना ही खराब होना चाहिए। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज लेटर। पका हुआ या बिना पका हुआ भोजन जो है, भविष्य के यूज के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, जमा करके रखा जा सकता है। दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जब हम भोजन को भविष्य के यूज के लिए जमा करके रखते हैं तो वो फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। वी हैव वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड सो दैट इट स्टे फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग संरक्षित करके इसलिए रखते हैं भोजन को, ताकि ये लंबे समय तक फ्रेश रह सके। तो फूड को जो जमा रखते हैं, उसके कई तरीके होते हैं। उन तरीकों के बारे में नीचे बताया जा रहा है, इसे हम एक एक करके
समझेंगे। एक नंबर में है बाय कैनिंग, फूड दैट इज पुट इनटू कैंस एंड बोटल्स इज केप्ट फ्री फ्रॉम एयर। जो भी फूड हम लोग किसी कैन डब्बे में या फिर बोतल में पैक करके रखते हैं वो एयर से फ्री हो जाता है, मीन्स वहाँ एयर उसको नहीं जा पाता है उसमें। सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व इट। पैक करने के साथ ही कुछ निश्चित केमिकल का भी यूज किया जाता है उन भोजन में ताकि इसे खराब होने से बचा सके। दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ये प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। अब दूसरा जो है वो है कोल्ड स्टोरेज, फूड कैन बी फ्रोजन, फूड लाइक मिल्क एग्स एंड मीट आर इजीली स्पॉइल्ड। तो फूड को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर लो रखा जाता है स्टोरेज में। अब जैसे कि फूड में हो गया मिल्क हो गया एग्स और मीट हो गया, ये सब आसानी से ख़राब हो जाते हैं, बट दे कैन स्टे लॉन्गर एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन इन्हें लोअर टेम्परेचर में जैसे फ्रिज हो गया या कोल्ड स्टोरेज में जहाँ का वातावरण काफ़ी कम होता है वहाँ इसे लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड कैन नॉट ग्रो एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर। जो बैक्टीरिया फूड को ख़राब कर देते हैं वो लो टेम्परेचर में वो नहीं पनप पाते हैं। अब तीसरा तरीका है साल्टिंग, सम फूड प्रोडक्ट कैन बी साल्टेड। कुछ फूड प्रोडक्ट में नमक की मात्रा को मिला दिया जाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन अ साल्टेड फूड, साल्टेड फूड में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, बढ़ नहीं पाता है। चौथा है डिहाइड्रेशन, सम फूड आइटम्स आर डिहाइड्रेटेड बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम। कुछ फूड को डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, मीन्स उससे पानी की मात्रा को निकाल दिया जाता है। दस दे आर सील्ड इन टीन्स और पैकेट, इस तरह से पानी की मात्रा को निकालने के बाद उसे सील कर दिया जाता है किसी टीन या पैकेट में। इस तरह से भोजन को संरक्षित करने के जो तरीके बताए गए हैं जैसे बाय कैनिंग, कोल्ड स्टोरेज, साल्टिंग, डिहाइड्रेशन, इन तरीकों का यूज करके भोजन को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और भोजन को सुरक्षित रखना आवश्यक भी है क्योंकि जो यूज नहीं करते हैं और अगर उसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो भविष्य के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और वो इसी समय खराब हो जाएगा, और यूज करके हम भोजन की बर्बादी से भी बच सकते हैं और भविष्य में यूज कर सकते हैं। गाइस, इस तरह से हमने इस वीडियो में कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड के बारे में पढ़ा और समझा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।